ओके, हम बात कर रहे थे अब इसकी, लेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मीजियल एस्पेक्ट क्या है हमारे पास? मीजियल एस्पेक्ट सेम वही है हमारे पास जो हमने सेंट्रल का डिस्कस किया, लेबियल आउटलाइन, लिंगुअल आउटलाइन। लेबियल हमारे पास स्लाइटली कन्वेक्स, लिंगुअल में हमारे पास कन्वेक्स होती है। इंसाइजल थर्ड में हमें कन्वेकेव नज़र आती है, जो जिंजा सर्वाइकल है उसमें हमें कन्वेक्स नज़र आती है। कॉन्टेक्ट एरिया हमारे पास सेम वही है जो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजल में था, के राउंडेड होता है इस तरह करके, और ये लॉन्गर होगा इंसाइजो जिंजाइवली और नैरोअर होगा लेबियोलिंगुअली। सेम वही चीज़ है। और ये नियर द जंक्शन होगा हमारे पास इंसाइजल और जो मिडल थर्ड का ये जंक्शन आ रहा था ना, ये देखो यहाँ पे इसके पास करके होगा। और जो सर्वाइकल जो लाइन होती है इसकी हमारे पास कम डेप्थ होती है सेंट्रल की निस्बत। हमने सेंट्रल की बात की थी, उस पर जो सर्वाइकल लाइन थी उसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ कर्वेचर थी इन द ऑफ टैनी टीथ इन द माउथ, लेकिन इसमें हमारे पास क्या थी, कम होती है। सेम हमारे पास डिस्टल एस्पेक्ट भी सेम वही चीज़ है, लेबियल आउटलाइन स्लाइटली कन्वेक्स, लिंगुअल की भी सेम वही चीज़। ये अब ये डिस्टल वाली मीजियल से भी छोटी है, ये देखो आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा ये मीजियल है और ये डिस्टल, तो ये डिस्टल आउटलाइन मीजियल से भी छोटी है डिस्टल एस्पेक्ट इसका। कॉन्टेक्ट एरिया शॉर्टर होगा और इतना ही साइजली नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे करके होगा, यहाँ पे शॉर्टर सा छोटू सा होगा। और ये जंक्शन पे होता है इंसाइजल और मिडल थर्ड का जंक्शन यहाँ पे करके। सर्वाइकल लाइन का लेस कर्वेचर होता है मीजियल से रिलेट कंपेयर कर देंगे। जब हम इंसाइजल एस्पेक्ट की बात करते हैं यहाँ से हम देखें, इंसाइजल एस्पेक्ट जो होता है एक्सेप्ट इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास सिंगुलम जो होता है ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है। थोड़ा सा ऐसे ना टेढ़ा करके देखें ना ऐसे तो ज़्यादा अच्छा नज़र आ। अब ये सिंगुलम हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अब लेटरल इंसाइजल में हमारे पास ज़्यादा कन्वेक्सिटी होती है लेबियल सरफेस की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं इसे भी खड़ा कर देती हूँ, देखें किसकी कन्वेक्सिटी ज़्यादा नज़र आ रही है लेबियल साइड पे, लेटरल इंसाइजल की। इसी तरह सेम अगर इधर देख लें तो किसकी कन्वेक्सिटी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है लेटरल इंसाइजल की, लिंगुअल साइड पर भी। और जो इसकी क्राउन की शेप हम समवट कह देते हैं कि रोम्बॉइडल होती है थोड़ी सी ना इस तरह, अगर हम इस लोकेशन से देखें क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा कन्वेक्स तो इस तरह करके रोम्बॉइडल सी। ये सिंगुलम वाली लिंगुअल साइड, ये इसकी लेबियल और ये मीजियल और डिस्टल, ठीक है। तो ये क्या रोम्बॉइडल नज़र आ रही होती है। अब इसकी रूट की बात करें तो रूट जो होती है हमारे पास लेटरल इंसाइजल की सिंगल होगी, वही आगे बात की उन्होंने कि लेबियो लिंगुअली, लेबियो लिंगुअली हमारे पास वाइडर होगी, मीजियो डिस्टली शॉर्टर होगी। तो अब जब हम सेंट्रल इंसाइजल कंपेयर करते हैं जो रूट होती है ना वो हमारे पास लॉन्गर होती है रिलेशन टू क्राउन लेंथ, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ होती है ना रूट की वो सेम वही होगी, या हमारे पास सेम होगी या हमारे पास सेंट्रल इंसाइजल से छोटी होगी। एपिक्स हमारे पास रूट की स्लाइड जो होती है शार्पर होती है, और अगर हम मिड रूट सेक्शन देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, ओवॉइड होता है। और वॉइड में भी हमारे पास लेबियो लिंगुअली लॉन्ग होगा और मीजियो डिस्टली क्या होगा लाइक दिस, एक रूट केनाल होती है इसमें लेबियो लिंगुअली लॉन्ग होगा और मीजियो डिस्टली क्या होगा शॉर्ट। ये था हमारे पास मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजल।